हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ पाकिस्तानी टीम का ये छोटा सा बच्चा तो बहुत शरारती है। कभी ये चाचू को उंगली करता है तो कभी ये चाचू से ईदी मांगने लग जाएगा। तो चलिए आपको नसीम शाह के कुछ ऐसे ही मजाहिया सीन दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले नसीम शाह की ये वीडियो देखें जिसमें ये फुल तपे हुए थे और बेचारे वीडियो बनाने वाले की बेइज्जती कर देते हैं। इसी तरह ये लैला मजनू पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। ये क्या है? क्योंकि तुम ही हो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बी पॉजिटिव गाइस। अब जैसे कि नसीम शाह के रिएक्शन हर तरह के इमोजीज के साथ मैच करता है, शाह साहब के फैंस वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों उर्वशी रुटेला ने बहुत कोशिश की है हमारे लौंडे को फंसाने की, लेकिन ये मासूम सा बच्चा उसके काबू नहीं आया। और अगर उर्वशी भी इसलिए खुश हो गई थी तो उर्वशी भी अपना दिल थाम ले। दे पे आपको विश किया उर्वशी रुटेला ने, आपने थैंक यू रिप्लाई किया, लोगों ने उस पर बड़ा वो किया कि नहीं जी थैंक यू रिप्लाई किया। देखो पता होगा कि बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं जो बिजी होते हैं, उनके मैनेजर्स भी उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो हैंडल करते हैं। तो मैंने मैनेजर्स को बोला था कि जितने भी जानने वाले लोग हैं और जो ब्लू टिक वाले हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, वो बर्थडे विश करते तो उनको थैंक यू लिखना है। तो उन्होंने थैंक यू लिख दिया था, इन्होंने विश किया था, उन्होंने थैंक यू लिख दिया। तो मेरे ख्याल से इतना इसमें कोई इशू तो नहीं। मुझे अगली वीडियो में नसीम शाह के फैन मिलने आए थे, लेकिन उनका बच्चा नसीम शाह को मुंह पे ही ढीठ कर देता है क्योंकि वो बेचारा बाबर आजम को मिलने आया था। इसी तरह क्रिकेट छोड़ के ऐसी चीजों पे ध्यान देना है तो फिर चैपमैन जैसे खिलाड़ी फेंटी तो लगाएंगे। गाइस इनको कुछ नहीं हुआ, ये बस जब से फौजी ट्रेनिंग करके आए हैं तब से इनको ऐसी शिकायत है। अब जैसे कि जहाज में बैठे हुए नसीम शाह को डर के मारे अपने अगले पिछले सारे गुनाह याद आ जाते हैं। जब जहाज में बैठते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको माफ कर दूं। जहाज हिलने लग जाते तो फिर मैं सबसे माफी मांग लेता हूँ। दुआएं पढ़ लेते। वेस्ट इंडीज में एक फ्लाइट थी, वो ऐसे था कि वो जैसे हिलने लगी तो हमारे सब वॉरियर्स ने तो लिटरली वो पहन लिया था ऑक्सीजन मास्क जो था, और मैंने फौरन फोन निकाला कि यार मैसेजेस कर लूं फॉरवर्ड तो हो जाएंगे जो वाईफाई आ जाएगी। तो मैंने कहा भाई माफ कर दो। तो टीम में भी मैं उठ के मैंने कहा भाईजान किसी के साथ अगर कोई बात वगैरह हुई तो माफ कर देना, पता नहीं जिस तरह की ये चल रहा था। अगली वीडियो में शाहनवाज धानी का ख्वाब चेक करें। क्या आपके ख्याल में धानी को नसीम की जगह होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन बॉलर्स में से किसकी जगह आपको टीम में होना चाहिए, हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी या फिर नसीम शाह या फिर उमर अकमल? अरे नसीम शाह, नसीम शाह की जगह आपको होना चाहिए। दोस्तों यहाँ सारे लोग नारे मारने में लगे हुए थे जबकि नसीम शाह की अपनी ही दुनिया है, ये बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा। इसी तरह इन बिचारों का फौजी ट्रेनिंग ने सही सत्यानाश किया है। भाई वर्ल्ड कप के लिए रेडी अभी इस वक्त तो बिल्कुल नहीं यार, अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ, मैं जब ट्रेनिंग सेशन पूरा खत्म होगा तो बताऊंगा। अब जैसे कि हमारे गरीब शाह साहब के पास है ही कुछ नहीं, बिचारी बच्ची ईदी मांगती रह जाएगी। दोस्तों ये पाकिस्तानी बच्चा यहाँ पे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। अगली वीडियो में नसीम शाह का भाई भी इन जैसा ही है, क्रिकेट छोड़ो इसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही।
इसी तरह क्या आपका भी ऐसा कोई लफंटर गैंग है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों नसीम शाह का बचपन देखें, ये बच्चों में बिल्कुल ही बच्चे लगेंगे। अब जैसे कि शाह साहब को अपनी उम्र देख के मजाक करना चाहिए, चाचा बुरा मान गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगली वीडियो में नसीम शाह रौला ही डालता रह जाता है कि मैं कप्तान हूँ और कोई इस कप्तान की एक भी नहीं सुनता। मैं कप्तान हूँ। इस बॉल के बाद दोस्तों बाबर आजम का पनिशमेंट देने का स्टाइल भी अजीब है, बेचारे नसीम की तशरीफ लाल हो जाएगी। इसी तरह वसीम जूनियर बड़ा सीरियस क्वेश्चन करने आया था, लेकिन शाह साहब की हिम्मत जवाब दे गई है। अब जैसे कि बाकी टीम ट्रेनिंग में लगी है, जबकि नसीम को पता नहीं कौन सा रोग लगा हुआ है। दोस्तों आजकल नसीम शाह कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बन गए हैं, अल्लाह खैर ही करे। तो गाइस ये थे कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले नसीम शाह के कुछ ऐसे मजाही सीन, जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।